Hello friends, welcome to the interview. Today we have with us Dr. Anurag Singh Rajput, principal of Mansarovar Ayurvedic Medical College, Bhopal. So sir, welcome to the interview. Thank you, Yogesh. Thank you, sir. Sir, can you tell me about yourself? मैं डॉक्टर अनुराग सिंह राजपूत, प्रिंसिपल मानसरोवर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज. मैं पिछले लगभग 20 वर्षों से शिक्षा आयुर्वेद शिक्षा के क्षेत्र में हूँ. साथ में मैं एक चिकित्सक भी हूँ आयुर्वेद का, जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ. मैंने अपना ग्रेजुएशन गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज रायपुर से किया. उसके बाद जो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन है, ये जो रिनाउंड इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन आयुर्वेद फ्रॉम जामनगर, गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से किया. उसके पश्चात मैं निरंतर शोध के क्षेत्रों में भी जुड़ा रहा और साथ में आयुर्वेद शिक्षण क्षेत्र में भी रहा और प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ. तो इस तरह से मैं आयुर्वेद क्षेत्र में अपने काम कर रहा हूँ. ऑलराइट सर. सर, बीइंग द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, सर, व्हाट आर योर रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज? प्रिंसिपल होने के नाते सबसे पहला मेरा जो रिस्पांसिबिलिटी है, महाविद्यालय में अनुशासन को बनाए रखना. छात्र छात्रों को जो अपने पेरेंट्स की होप होते हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग और एजुकेशन देना, जिससे कि वो आने वाले समय में एक सक्षम और सफल चिकित्सक बन सकें, ये हमारे मुख्य इसमें उद्देश्य रहता है. ऑलराइट सर. सर, हाउ डज द करिकुलम ऑफ योर कॉलेज इंश्योर दैट द स्टूडेंट आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर? आपका करिकुलम बच्चों को कैसे हेल्प करता है फॉर द फ्यूचर? डेफिनेटली, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम जो है वो समाज के एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वो है स्वास्थ्य. तो स्वास्थ्य जो है वो चिकित्सक के हाथ में ही है समाज का. तो हमारा मूल जो करिकुलम हम इस तरह से डिजाइन होता है कि बच्चों को हम पूरा टोटल ट्रेनिंग दें. जो थ्योरेटिकल क्लासेस तो होते ही हैं, सारे के सारे हमारे जो फैकल्टीज हैं सब कुछ उसको इंश्योर करते हैं कि हमारे बच्चे को अच्छे से अच्छी एजुकेशन मिले. साथ में जो प्रैक्टिकल अप्रोच है उसकी, कि भाई जो भी कोई भी डिसीज़ है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन है या जो भी है, उसका जो प्रैक्टिकल जितना हम कहना चाहिए बच्चों को हम प्रैक्टिकल हैंड देते हैं, वो उतने अधिक कौशल और स्किल कुशलतापूर्वक अपने कार्य कर पाते हैं और स्किल्ड होते हैं. तो इस तरह से हम जो है वो हमारा जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, हमारा जो पढ़ाने का तरीका है, हमारा जो उनको प्रैक्टिकल अप्रोच को लेकर जिस तरह से हम काम करते हैं, ये डेफिनेटली एंश्योर करता है कि हमारे यहाँ से जो बच्चे निकलेंगे वो स्किल्ड और कहना चाहिए चिकित्सा के क्षेत्र में कुशलता प्राप्त करके निकलते हैं. ऑलराइट सर. सर, हाउ डू यू ट्राई टू बिंग प्रैक्टिकल अप्रोच टुवर्ड द सब्जेक्ट दैट यू टीच? डेफिनेटली है कि देखिए दोनों बातें हैं, इसमें सैद्धांतिक पक्ष भी है और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी है, व्यवहारिक क्षेत्र भी है. तो सैद्धांतिक पक्ष तो हमारी क्लासेस में हो जाते हैं, लेकिन जो उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के लिए हमारे पास अल्ट्रा मॉडर्न लेबोरेटरीज हैं. उन लेबोरेटरीज में चाहे वो फिजियोलॉजी हो, चाहे पैथोलॉजी हो, इवन एनाटॉमी होता है, तो उसमें जो डिसेक्शन वाला पार्ट है कि कैडेवरिक डिसेक्शन से हम जो बॉडी की संरचना को किस तरह से समझ सकते हैं छात्र, क्योंकि अगर एक चिकित्सक अपने शरीर की संरचना को अगर प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखेगा तो वो एक अच्छा चिकित्सक बनने में थोड़ा सा संदेह हो जाता है. तो हमारे पास निरंतर जो है वो कैडेवरिक डिसेक्शंस होते हैं, निरंतर जो हमारे फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, साथ में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हम करते हैं जो कि एंश्योर करते हैं कि उनका प्रैक्टिकल हैंड अच्छा हो और एक अच्छे चिकित्सक बन सके. ऑलराइट सर. सर, व्हाट डू यू सी एज अ ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ योर कॉलेज? अपनी कॉलेज की ताकत के बारे में बताइए. हमारे कॉलेज की सबसे बड़ी ताकत हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी लेबोरेटरीज है और हमारी फैकल्टी है, और साथ में हमारे मैनेजमेंट का सपोर्ट है. हमारा मैनेजमेंट हमको हर तरह से सपोर्ट करता है कोई भी कार्य करने के लिए. सर, जिस तरह से हम कैंप्स लगाते हैं हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि अभी फ्यूचर में वो एक पब्लिक फील्ड में जाने वाले हैं, तो एक जो महाविद्यालय का एटमोसफियर होता है, हॉस्पिटल होता है, वो अलग होता है. लेकिन हम कैंप्स लगाते हैं और सोसाइटी के बीच जाते हैं, तो जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो सोसाइटीज़ में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आते हैं स्टूडेंट पेशेंट्स के, और सोसाइटी में किस तरह की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, किस तरह से उनको डिजीज हो रही हैं और किस तरह से हम उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें होती है. तो इस तरह से जो ओवरऑल जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है, और साथ में हमारे जो मैनेजमेंट का सपोर्ट है और हमारी जो फैकल्टी है, ये सारे के सारे मिलकर एक स्ट्रेंथ और कहना चाहिए एक ताकतवर और दमदार शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र हमारे महाविद्यालय को बनाता है, और जिससे हमारे यहाँ से निकलने वाले छात्र जो है वो समाज में जाकर अपना अच्छे से अच्छा काम करें और अपनी सेवाएं दें, ऐसा हमारा उद्देश्य रहता है. ऑलराइट सर. सर, एनी सजेशन यू वुड लाइक टू गिव टू करंट यूथ एंड एस्पायरिंग स्टूडेंट्स? करंट स्टूडेंट्स, देखिए युवा है, युवाओं में शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, बस आवश्यकता होती है उस शक्ति को, उस ऊर्जा को सही स्थान पर लगाने का. तो सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है युवा की, वो उसकी ऊर्जा है, उसकी शक्ति है, और यदि वह उस ऊर्जा को नियंत्रित करके
अगर सही तरीके से सही अपने उद्देश्य की प्राप्ति में लगाएगा तो निश्चित रूप से वह एक अपनी सफलतम जीवन प्राप्त करेगा, उच्चतम कहना चाहिए जिंदगी के जीवन के आयाम प्राप्त करेगा, जो उनके अभिभावकों की, उनके शिक्षकों की, उनके इंस्टीट्यूट की उनकी आशा है उसको पूरा कर सकेगा। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है हार्डवर्क, हमेशा हार्डवर्क करें, हमेशा सतत प्रयत्नशील रहें, अपने उद्देश्य को हमेशा देखते रहें और निरंतर आत्मविश्लेषण करते हुए अपनी कमियों को देखते हुए उनको निखारते रहें, उनको ठीक करते रहें और अपनी ऊर्जा को सही कहना चाहिए क्षेत्र में लगाएं, सही केंद्र पर लगाएं, तो निश्चित रूप से जो हमारे युवा हैं वो बड़ी से बड़ी कार्य करने के, बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए आसानी से प्राप्त कर सकते हैं इस तरह से। तो वो नियंत्रण अपनी जो ऊर्जा है उसको सही क्षेत्र में लगाएं, यही मैं सभी युवाओं से आह्वान करता हूँ। ओके सर, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।